तो फ्रेंड आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड रोल जो फटाफट से बन के तैयार हो जाता है। तो देखिए इसके लिए हमने ये सामग्री ली है। मैंने यहाँ पर ये ब्रेड लिया है, ये उबला हुआ आलू, ये एक बड़ा प्याज, दो हरी मिर्च, ये धनिया लिया है मैंने, और यहाँ पर मैंने लहसुन और अदरक को दोनों को एक साथ कूट कर क्रश कर लिया है। ये थोड़ा सा जीरा, नमक लेंगे स्वाद के अनुसार, ये 1/4 चम्मच है हल्दी पाउडर, ये थोड़ा सा गरम मसाला, ये आधा चम्मच धनिया पाउडर और ये आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो चलिए इसको फटाफट से बना लेते हैं। तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? तो देखिए ये इजी सी रेसिपी हम बनाकर फटाफट से तैयार करेंगे। तो चलिए इसे बनाना सीख लेते हैं, देख लेते हैं कि ये कैसे बनाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये गैस पे मैंने कढ़ाई रखी है, अब सबसे पहले हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। तो एक छोटे चम्मच के करीब ऑयल ले लिया है मैंने, ऑयल को गर्म होने देते हैं। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए हम इसमें ऐड करेंगे ये जीरा, तो ये देखिए जीरा हमारा भुन चुका है। अब हम इसमें सबसे पहले ऐड कर देंगे ये लहसुन और अदरक, ये हरी मिर्च, जैसे ही प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाए तब तक हम इसको भून लेंगे। तो ये देखिए प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें ये सारे सूखे मसाले ऐड कर लेते हैं। तो ये गया इसमें हल्दी पाउडर, इसका फ्लेम हम लो कर लेंगे। ये गया इसमें धनिया पाउडर, ये लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और ये नमक, सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लिया है, अब हम इसमें ये आलूओं को मैंने मैश कर लिया है, मैश किए हुए आलू मैं इसमें ऐड कर लूंगी। मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए मसाले को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। सबसे लास्ट में हम इसमें ऐड कर लेंगे धनिया पत्ती, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मसाला हमारा रेडी हो चुका है, अब गैस को हम ऑफ कर देंगे। अब हम इस मसाले को ठंडा होने देते हैं, ठंडा होने के बाद ही हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो ये देखिए मसाला भी ठंडा हो चुका है अच्छे से, हम इनको हाथ लगा सकते हैं। और ये यहाँ पर मैंने ब्रेड ले लिए हैं, अब मैं इनके किनारे कट कर लूंगी। और ये एक कटोरी पे मैंने पानी ले लिया है, तो चलिए किनारे कट कर लेते हैं। तो अब हम ब्रेड के किनारों को कट कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने सारे ब्रेड के साइड कट कर लिए हैं, अब हम इनको आलू से भर लेते हैं। तो इनको मैं साइड में कर लेती हूँ। तो सबसे पहले हम ब्रेड को पानी में डिप कर लेंगे, इसका सारा पानी निचोड़ लेंगे, ध्यान से ब्रेड टूट ना पाए। ऐसे हम इसमें फिलिंग कर लेंगे। इसको
तरफ से हम इस तरह से इसको सील कर लेंगे। एकदम अच्छे से हमने इनको सील कर लिया है। जहां से भी आपको ऐसे लगे कि खुल रहा है तो बस आप इस तरह से सील कर लीजिए, ये तेल में भी नहीं खुल पाएगा। तो इसी तरह से हम सारे रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने 6 ब्रेड रोल तैयार कर लिए हैं। चलिए अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना, जैसे ही मीडियम गर्म हो जाए तो हम इनको कढ़ाई में डाल लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हल्का सा ऑयल गर्म हो चुका है। तो अब हम एक एक करके ब्रेड रोल इसमें ऐड कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर 4 ब्रेड रोल इसमें ऐड कर लिए हैं। अब हम इनको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई होने देंगे ताकि अंदर से और बाहर से दोनों साइड से इतने अच्छे से फ्राई होए। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आया ना इन ब्रेड पकौड़ों का। तो हम इनको बाहर निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम सारे बनाकर फ्राई कर लेंगे। देखिए मैं आपको इसकी आवाज भी सुनाकर दिखाती हूँ कितने क्रिस्पी बने ना, और एकदम मजेदार। तो आप इसे ग्रीन चटनी के साथ, सॉस के साथ, जैसा आपका मन करे उसके साथ सर्व कीजिए और इसका मजा लीजिए फैमिली के साथ। तो मुझे कमेंट करके बताइए आप इस रेसिपी को कब बना रहे हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी, मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।